नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं किरण शर्मा। आज इस एपिसोड में बात करेंगे चुनाव आयोग की और मोदी जी की। लोकसभा चुनाव की हवा चारों ओर फैली हुई है, लेकिन इस बार नतीजे किसके पाले में जाएंगे ये देखना सबसे दिलचस्प रहेगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इस बार क्या खास होने वाला है। देश वही, पार्टी वही, लोग वही और चेहरे भी वही। खैर, चेहरे तो इस बार बीजेपी ने बदल दिए हैं, लेकिन लग नहीं रहा कि चुनावों में बीजेपी को इसका कुछ खास फायदा होने वाला है, क्योंकि बीजेपी अपनी तरफ से पूरा दमखम लगाने में जुटी है, लेकिन जनता का मूड इस बार कुछ बदला हुआ सा नजर आ रहा है। कहते हैं ना कि चुनावों में सब कुछ जनता पर निर्भर करता है, और इस बार जनता का मूड थोड़ा कंफ्यूजिंग है। जनता राहुल गांधी की गारंटी और मोदी की गारंटी के बीच विचार विमर्श करने में लगी हुई है कि किसकी गारंटी को देश में लाना है और किसे कहना है टाटा बाय बाय। अब तक भले ही कांग्रेस में किसी मजबूत चेहरे की वजह से लोग कांग्रेस से कटते थे, लेकिन चुनावी हवा को देखें तो इस बार मोदी लहर कुछ खास असर करती नजर नहीं आ रही, बल्कि मोदी जी को फेमस करने के चक्कर में देश की जांच एजेंसियों पर भी सवाल उठने लगे हैं। वोटिंग के दौरान ईवीएम सवालों के घेरे में रही, और अब चुनाव आयोग की भूमिका पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं, वो भी मोदी जी की वजह से। चलिए आपको पूरा मामला समझाते हैं। आजकल पीएम मोदी का राजस्थान के बांसवाड़ा वाला भाषण चर्चाओं में बना हुआ है, या ये कहें कि विवादों से घिरा हुआ है। विपक्षी दलों के बीच भाषण में बोले गए शब्दों को लेकर विरोध है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग चुप्पी साधे हुआ है और चुपचाप बैठा हुआ है। ये कोई एक वजह नहीं है जिस पर चुनाव आयोग हाथ पर हाथ रखकर बैठा हुआ है, बल्कि और भी कई बातें हैं जो अगर विपक्ष करे तो नियमों का उल्लंघन और मोदी जी करे तो नंबर वन। पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक पुराने भाषण का हवाला देते हुए मुसलमानों पर टिप्पणी की, जिसमें उन्हें घुसपैठिए और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला कहा। हालांकि पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह के जिस 18 साल पुराने भाषण का जिक्र किया, उसमें मनमोहन सिंह ने मुसलमानों को पहला हक देने की बात नहीं कही थी और ना ही मुसलमान शब्द पर ज्यादा जोर दिया था। मनमोहन सिंह ने 2006 में कहा था, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को पुनः जीवित करने की जरूरत है। हमें नई योजनाएं लाकर यह सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यकों का और खासकर मुसलमानों का भी उत्थान हो सके, विकास का फायदा उनको मिल सके, इन सभी का संसाधनों पर पहला दावा होना चाहिए, मनमोहन सिंह ने यह कहा था। मनमोहन सिंह ने अंग्रेजी में अपना ये भाषण दिया, और आज मोदी जी हिंदू तत्व को बढ़ावा देते हुए हिंदू आबादी को इसका जो मतलब समझा रहे हैं उसकी लोगों द्वारा आलोचना की जा रही है। पीएम मोदी के बयान की आलोचना ये कहकर की जा रही है कि वो कैसे देश के करीब 20 करोड़ मुसलमानों के लिए घुसपैठिए शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पीएम मोदी की टिप्पणी को लेकर सोमवार को उन पर निशाना साधा, साथ ही चुनावी लाभ के लिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का प्रयास करने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी ने ऐसे बयान दिए जो प्रधानमंत्री पद को शोभा नहीं देते। उन्होंने कहा कि पीएम कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में है ही नहीं, और वह चुनावी लाभ के लिए देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी घोषणा पत्र के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी देने के लिए मिलने का समय मांगा है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने पीएम मोदी के बयान के संबंध में दिल्ली पुलिस आयुक्त को शिकायत भेजी है। इस पर कांग्रेस की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी की ओर से भी पलटवार जारी है। बीजेपी की ओर से कहा गया कि प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी कहा है वह सच बोला है और देशवासियों से जुड़ी हकीकत बताई है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस का सच कह दिया है, इसलिए विपक्ष को यह सहन नहीं हो रहा। सिर्फ विपक्षी पार्टियां ही नहीं बल्कि राजनीतिक शिकायतों के अलावा 17,000 से अधिक आम नागरिकों ने भी चुनाव आयोग से मांग की है कि इस हेट स्पीच के लिए पीएम मोदी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कांग्रेस इस मामले में चुनाव आयोग भी पहुंची। बीजेपी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन से जुड़ी 16 शिकायतें कांग्रेस ने चुनाव आयोग को सौंपी हैं। इन सारी आलोचनाओं को लेकर एक बार फिर चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर वह शिकायतों पर चुप क्यों है। सवाल है कि बीजेपी के खिलाफ शिकायतें होने के बावजूद चुनाव आयोग कुछ कर क्यों नहीं रहा। चुनाव आयोग की भूमिका बीजेपी की ओढ़नी में ढककर रह गई है, और यही काम विपक्षी नेता या कांग्रेस द्वारा हुआ होता तो अब तक ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग सब सतर्क हो जाते, उनके घरों में छापेमारी शुरू हो जाती, लेकिन मोदी के नाम पर आयोग चुप है।
सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 के तहत देश में आदर्श आचार संहिता लगी हुई है। चुनाव आयोग की ओर से लागू आदर्श आचार संहिता के मुताबिक चुनाव प्रचार के दौरान ना तो धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है और ना ही धर्म, संप्रदाय, जाति के आधार पर वोट देने की अपील की जा सकती है। आचार संहिता के मुताबिक किसी भी धार्मिक या जातीय समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण देने या नारे लगाने पर भी रोक है, लेकिन मोदी जी ने बीजेपी को प्रमोट करने के लिए ऐसा किया है। ऐसे में विपक्ष और सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि पीएम मोदी पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही और चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई कब करेगा। कांग्रेस नेताओं ने सोमवार शाम को चुनाव आयोग का रुख किया। जयराम रमेश ने कहा है कि हमने जनप्रतिनिधि कानून 1951, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन वाली 16 शिकायतों को चुनाव आयोग को सौंप दिया है। कांग्रेस ने उम्मीद जताई है कि इन शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ये शिकायतें 18 से 22 अप्रैल के बीच की गई हैं। इन शिकायतों में क्या क्या शामिल है, आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। शिक्षा विभाग की ओर से आचार संहिता के दौरान UGC में नियुक्ति, पहली शिकायत। बीजेपी उम्मीदवार तपन सिंह गोगोई को वोटर्स को रुपए बांटना, दूसरी शिकायत। यूपी में सरकारी स्कीम के प्रचार में मोदी जी की तस्वीर का इस्तेमाल करना, तीसरी शिकायत। चुनावी प्रचार में धार्मिक छवियों और राम मंदिर का इस्तेमाल करना, और इसके अलावा केरल में मॉक चुनाव के दौरान EVM मशीनों की गड़बड़ी, चुनावी अभियान में सेना की तस्वीरों का बीजेपी की ओर से इस्तेमाल किया जाना, इन सब में ये कुछ प्रमुख शिकायतें हैं जो बीजेपी के लिए की गई हैं। चुनाव आयोग की ओर से इन शिकायतों पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और ना ही चुनाव आयोग की ओर से पीएम मोदी के बयानों पर किसी तरह का कोई नोटिस दिए जाने या कार्रवाई करने की जानकारी सामने आई है। इससे पहले बीते महीने मार्च में TMC सांसद साकेत गोखले ने चुनाव आयोग में पीएम मोदी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन मामले में शिकायत दर्ज करवाई थी। साकेत गोखले ने कहा था कि पीएम मोदी ने चुनावी रैली में भाग लेने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया है। इसके विपरीत अगर आप विपक्ष को लेकर चुनाव आयोग की सक्रियता देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। नवंबर 2023 में राहुल गांधी ने जब बिना नाम लिए पीएम मोदी के लिए पनौती शब्द का इस्तेमाल किया था, तब पूरे देश में बवाल हो गया था। राजनीति में हर किसी की जुबान पर था कि राहुल ने मोदी को पनौती कहकर बड़ी गलती कर दी है, अब उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा, और तुरंत चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया था। हाल ही में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने हेमा मालिनी पर जो आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, इसकी शिकायत मिलने पर चुनाव आयोग ने उन पर 48 घंटे की रोक लगाई थी। चुनाव आयोग की ओर से कांग्रेस, आम आदमी पार्टी की शिकायतों पर कार्रवाई करने की बातें भी कही गई हैं। आयोग कह रहा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ना जाने क्यों वास्तविक जीवन में कुछ नजर नहीं आ रहा। मुसलमानों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का खामियाजा शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे ने भी झेला था। 1987 में अपने भड़काऊ चुनावी भाषण के दौरान बाल ठाकरे ने 6 साल के लिए चुनाव लड़ने और वोट डालने पर पाबंदी लगा दी गई थी। उस समय चुनाव आयोग की सिफारिश करने पर तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन ने 1999 में 6 साल के लिए बाल ठाकरे के मताधिकार पर रोक लगा दी थी। दरअसल बाल ठाकरे ने कह दिया था कि मुझे मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए, जिस वजह से उनके साथ ऐसा हुआ था। और तब से आज का समय देख लीजिए, चुनाव पर निगाह रखने वाली संस्था ADR के प्रोफेसर रणदीप छोक्कर ने एक पत्र में चुनाव आयोग को लिखा कि मोदी का भाषण आचार संहिता और जनप्रतिनिधित्व कानून 1995 की धारा 123(3), 123(3)A और 125 और भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 153(a) का उल्लंघन है और उन्हें जल्द कार्रवाई की मांग की है। अब मोदी जी तो विपक्ष के घेरे में है ही, लेकिन उनकी वजह से चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी जी के राजस्थान वाले भाषण पर कहा कि उन्होंने जो कहा वो हेट स्पीच है, ध्यान भटकाने की एक सोची समझी चाल है। हमारा घोषणा पत्र हर एक भारतीय के लिए है, सबकी बराबरी की बात करता है, सबके लिए न्याय की बात करता है। कांग्रेस का न्याय पत्र सच की बुनियाद पर टिका है। वामपंथी नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि ये भयानक है, चुनाव आयोग की चुप्पी और ज्यादा भयानक है। मोदी का भड़काने वाला भाषण आचार संहिता और उच्चतम न्यायालय का हेट स्पीच पर निर्णयों का घोर उल्लंघन है। आपकी इस बारे में क्या राय है और आप इस बार किस पार्टी को वोट दे रहे हैं, और क्या चुनाव आयोग को मोदी को लेकर निष्पक्ष रहना चाहिए और हर तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए,
साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।